बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैक्सीन। वैक्सीन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फार्मेसी टेक्नीशियन के स्टूडेंट में, माइक्रोबायोलॉजी में, और हमारी रूटीन लाइफ में वैक्सीन का एक लफ्ज हम अगेंस्ट बार बार सुनते हैं कि जैसे कोरोना आया तो कहा गया कि कोरोना की वैक्सीन कराएं। इसी तरह और भी डिजीजेज हैं जिसकी वैक्सीन की जाती है, तो मोस्टली ये जो है ना प्रोफिलैक्सिस के लिए इस्तेमाल की जाती है और थेराप्यूटिकली भी इस्तेमाल की जाती है। तो आज हम अपने इस लेक्चर में देखेंगे कि वैक्सीन बेसिकली है क्या, इसको डिफाइन करेंगे, इसकी हिस्ट्री को बताएंगे और साथ में इसकी जो है ना मुख्तलिफ टाइप्स, इसकी करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम वैक्सीन की डेफिनेशन कर लेते हैं। तो बेसिकली एक सस्पेंशन फॉर्म होता है, मतलब जैसे ये एक सस्पेंशन है और इसके अंदर हम लिविंग नॉन लिविंग पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इनके एक सस्पेंशन होता है लिविंग नॉन लिविंग पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, और हम उसको इस तरह मॉडिफाई करते हैं। क्या करते हैं भाई? मॉडिफाई करते हैं कि वो कन्वर्ट हो जाता है नॉन पैथोजेनिक, कि आप उसके अंदर डिजीज पैदा करने की सलाहियत नहीं रहती। तो जब हमने इसे इंट्रोड्यूस कर दिया तो वैक्सीन अंदर जाकर एक इंड्यूस्ड इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करेंगे। अब क्योंकि हमारे बॉडी को ये तो नहीं पता कि जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेड बॉडी आई है या इनएक्टिवेटेड है, तो उसे तो सिर्फ एंटीबॉडी एंटीजन मिला और उसने अपने एंटीबॉडीज बना दिए। जब एंटीबॉडीज का बनने का मतलब क्या है कि इम्यूनिटी पैदा हो चुकी, कुव्वत मुदाफियत पैदा हो चुकी। नेक्स्ट टाइम जब भी उस किस्म का माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन इंटर होगा तो ये एंटीबॉडी उसको किल कर देगी। ओके, तो इस तरह ये प्रिवेंट सस्पेक्टेबल डिजीज और जो मुतवक्के जो बीमारी होती है वो नहीं होगी। क्लियर हो गया? फिर बता रहा हूँ, ये एक प्रिपरेशन है, एक सस्पेंशन है जिसमें लिविंग नॉन लिविंग पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और वो उन्हें इस तरह मॉडिफाइड किया जाता है कि वो नॉन पैथोजेनिक बन जाते हैं, और जब उनको जिस्म के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस कर देते हैं और इस तरह हमें प्रिवेंट कर देते हैं डिजीज से प्रिवेंटेशन हो जाती है। हम इसे उस तरह भी डिस्कस कर सकते हैं दूसरी डेफिनेशन में कि वैक्सीन एक ऐसी प्रिपरेशन होती है, ठीक है ना, विच इम्प्रूव इम्यूनिटी, जो इम्प्रूव इम्यूनिटी जो कुव्वत मुदाफियत अगेंस्ट डिजीज होती है उसको इम्प्रूव कर देती है। किसके टू ए पर्टिकुलर डिजीज, जिस किस्म की हमने वैक्सीन दी है उसी डिजीज के लिए अगेंस्ट वो इम्यूनिटी को बढ़ा देती है। और वो प्रोसेस जिसमें हम ये वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, और इंजेक्ट कर देते हैं, तो इस प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन इज नोन एज वैक्सीनेशन। ठीक है बेटा, देखिए ये वैक्सीनेशन लफ्ज़ किससे निकला है? वैक्सीन से। ठीक है, तो वैक्सीन एक प्रिपरेशन है, ठीक है, और इसको इस्तेमाल एडमिनिस्ट्रेट करने के प्रोसेस को हम वैक्सीनेशन कहते हैं। मतलब अगर किसी आदमी ने वैक्सीन लगवाई है तो इससे कि इसकी वैक्सीनेशन हो चुकी है, इज वैक्सीनेटेड। चलिए हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री की तरफ जाते हैं कि ये लफ्ज वैक्सीन इस्तेमाल कैसे हुआ, वैक्सीनेशन का इस्तेमाल कैसे हुआ। देखिए बेटा, ये एक लफ्ज है ना वैक्सीन, ये ड्राइव हुआ है एक लेटर वर्ड से, लेटर वर्ड से। उस लेटर वर्ड में उसमें एक कि एडवर्ड जेनर एक आदमी था, उसने ये देखा
एडवर्ड जेनर ने ये देखा कि एक डिजीज है, उसका नाम है स्मॉल पॉक्स। एडवर्ड जेनर ने देखा कि एक डिजीज है, इसका नाम क्या है? स्मॉल पॉक्स। ठीक है, तो ये आम आदमी को, अगर किसी भी आदमी को भी ये डिजीज वायरल हो सकती है, तो उसने देखा कि कुछ ग्वाले हैं जिसे जैसे मिल्क पेड है, उनको ये डिजीज नहीं होती। उसको मिल्क पेड को स्मॉल पॉक्स डिजीज नहीं होती। अब हुआ क्या? उसने कहा कि इसके रीजन मालूम करने की कोशिश की, तो एडवर्ड जेनर ने ये देखा कि जो गाय है उसमें एक डिजीज होती है जिसे हम कहते हैं काउ पॉक्स। काउ पॉक्स, ठीक है। अब काउ पॉक्स ये डिजीज है, अब ये ह्यूमन में सिम्टम्स नहीं आते, तो उसने ये देखा कि इसकी क्या रिजल्ट हो सकती है। उसके लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने जो फ्लूइड था काउ पॉक्स का, उसको इंजेक्ट किया एक ह्यूमन बॉडी में। जब ह्यूमन बॉडी में उसने इंजेक्ट किया, ठीक है, कुछ अर्से के बाद उसने इसके अंदर स्मॉल पॉक्स इंट्रोड्यूस की, तो उस पेशेंट को वो डिजीज ना हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने वैक्सीनेशन का फल कर दिया। अब क्योंकि वैका कहते थे काउ को, ठीक है, तो इसलिए एडवर्ड जेनर ने इसका नाम इसलिए इसको वैक्सीन का नाम दिया गया, क्योंकि इसका जो फर्स्ट सोर्स था एडवर्ड का नाम जो था वो वैका काउ पे था, इसलिए इसको वैक्सीनेशन का नाम दिया, ठीक है। और इस तरह उसने काउ पॉक्स जो थी प्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट जो है वो स्मॉल के अगेंस्ट ह्यूमन में इम्यूनिटी फॉर्म हो चुकी। ये काम सारा फिर बाद में ये 1848 में इसके ऊपर बैन लगा दिया गया इस तरह की वैक्सीनेशन पर। फिर लॉइस पॉस्टर ने इस पर काम किया और वैक्सीन को इम्प्रूव किया और उसका नाम उसने एडवर्ड जेनर को वैक्सीन का ही दे दिया, ठीक है जी। अब ये थोड़ी बहुत हिस्ट्री थी, ये देखे जी, एक डिजीज थी स्मॉल पॉक्स, ठीक है, तो वो सारी वायरल डिजीज थी, वो सारे किसी भी शख्स में हो सकती थी। लेकिन अब एडवर्ड जेनर ने क्या देखा कि सब कुछ हो जाती है और सबसे मेन चीज पर ही वायरल इंजेक्ट हुआ, लेकिन ये ना कौ में को नहीं होगी। वो तो यूं था कि कौ में एक डिजीज थी, उसका नाम था कौ पॉक्स, ठीक है। तो उसका वायरस और स्मॉल पॉक्स का वायरस तक एक ही जैसा है, ठीक है। अब उसने ये देखा कि अब दोबारा जैसे बांस पर चोट लगती है तो जख्मी हो जाता है, तो उसके एंटीजीन यानी कि जो पैथोजेनिक जो उसके कॉक पॉक्स के जो मटीरियल था उनके जख्मों के अंदर जाता रहा और उसके अंदर एंटीबॉडीज पैदा कर दी, ठीक है। तो अब जब उसका एक्सपोजर हुआ किसमें, स्मॉल पॉक्स के साथ, तो स्मॉल पॉक्स के एक्सपोजर की वजह से उसको ये डिजीज ना, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर तो ऑलरेडी एंटीबॉडीज मौजूद थे, उसकी रीजन ये थी। तो इस तरह वो इस बीमारी से बच गया। अब एडवर्ड जेनर ने कहा कि उसने कुछ लोहे कड़कर उसको तैयार कर लिया कि भाई तुम ना आओ मेरे पास, मैं तुम्हें ना एक्सपेरिमेंट करूँगा। उसने जी जो है वो जो फ्लूइड था जिसने कॉम से लिया था, यानी कि कॉम बॉक्स का फ्लूइड, उसने उस लड़के के अंदर इंजेक्ट कर दिया, ठीक है, वॉलंटरी। कुछ अर्से बाद उसके अंदर एंटीबॉडीज पैदा हो चुके होंगे, उसे तो नहीं पता कि क्या हुआ पड़ा था। फिर नेक्स्ट उसने उसी बच्चे को स्मॉल बॉक्स के इंजेक्ट कर दिया जो वायरल फ्लूइड था। अब वो बच्चे को बीमार हो जाना चाहिए, लेकिन वो बीमार ना हुआ, ठीक है। तो इस तरह एक प्रोफिलैक्सिस के तौर पर ये तरीका ट्रायल हुआ, लेकिन जाहिर है कि वो इतना बड़ा साइंटिस्ट तो था नहीं है, तो ये बार बार इसके ऊपर काम रुक गया। तो इवन के
1848 में जाकर उसके ऊपर बैन भी हो गया कि भी लेस इसका कोई नहीं करेगा। फिर जैसे लुईस पाश्चर आया, ठीक है, उसने इस काम को आगे बढ़ाया, ठीक है, तो ताकि जो वैक्सीन का काम बढ़े, और उस बंदे ने उसको क्रेडिट लिया, किसको बोला, एडवर्ड जेनर को। अगर कोई कहता है ना वैक्सीनेशन का जो फादर ऑफ वैक्सीनेशन कौन है, किसने से किया, तो एडवर्ड जेनर का नाम आता है। तो उसी के नाम पे, उसी के काम की वजह से इसका नाम वैक्सीनेशन वैक्सीन रखा गया। और इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, वैक्सीनेशन। क्लियर हो गई थी? तो अब इस तरह की, तो बस आप मुख्तसर यही था कि फिर उसके बाद नहीं किया गया कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन होता है उसी को किल कर दिया जाता है, ये उसी को हाफ किल कर दिया जाता है और उसी तरह इंसान में इंजेक्ट कर दिया जाता है। वो अंदर जाकर एंटीबॉडी पैदा करती है, जब एंटीबॉडी पैदा होगी तो इम्यूनिटी पैदा होगी और फिर ससेप्टेबल डिजीज से वो इंसान बच जाएगा। तो इसीलिए इसने कहा कि सस्पेंशन है जिसमें लिविंग नॉन लिविंग थिंग होती है, उसको मॉडिफाई करके अपना नॉन पैथोजेनिक बना सकते हैं। आपको पता है कि पैथोजेन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज पैदा करते हैं उनको पैथोजेन कहते हैं, ठीक है। अब डिजीज पैदा करने की सलाहियत खत्म कर देगी तो इसमें नॉन पैथोजेनिक कहेंगे, लेकिन बॉडी को तो नहीं पता हो तो उसने तो एंटीबॉडी पैदा करनी है ना, तो जिसकी वजह से उनके अंदर इम्यून रिस्पॉन्स पैदा हो जाएगा और इस तरह वो आदमी की हम डिजीज को रोक लेते हैं, ठीक है। फिर उसने ये कहा कि ये बेसिकली ये प्रिपरेशन होते हैं जो इम्प्रूव इम्यूनिटी करते हैं, ठीक है ना, और ये भी होता है कि हर एक के खिलाफ उसकी इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी, ठीक है ना। तो जिस चीज का पैथोजिन हाफ के वैक्सीन जिस चीज के लिए है ना, कोरोना की बाय वैक्सीनेशन में तो कोरोना से ही इम्यूनिटी होगी, सबके साथ इम्यूनिटी नहीं होगी, ठीक है। वो आपने आप उसे पोलियो भी नहीं होगा, नहीं पोलियो से हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह और भी डिजीजेज हैं, ठीक है, तो जिसकी वैक्सीन होगी उसी से बीमारी से उसका बचाव होगा, प्रोफिलैक्सिस हो जाएगा। तो पर्टिकुलर डिजीज है प्रोड्यूस है, और इस प्रोसेस को जब हम वैक्सीन को इंजेक्ट कर देते हैं ना, तो उस जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन। तो कहते हैं ना कि आपका वैक्सीन का मधुआ पड़ा है, तो कहते हैं आर यू वैक्सीनेटेड, या आपकी वैक्सीनेशन हुई हुई है, ओके। तो इस तरह फिर उसने कुछ ये कह दिया कि सबरी बता रहा हूँ ना कि ये लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किए गए क्योंकि एडवर्ड जेनर ने कौ को इस्तेमाल किया था और लेटेड वर्ड है, ये ऐसे यूज है। तो कौ जो बैठा होता है वो एक लेटेड वर्ड है और बैठा का मतलब होता है कौ होता है, तो एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ अपना वैक्सीन भी कहते हैं, वैक्सीनेशन कहते हैं। तो इसने जो यूज हुआ वो कौ पॉक्स इंसान में स्मॉल पॉक्स और इंजेक्टेड किए ह्यूमन बॉडी, उसने इम्यूनिटी पैदा कर ली, तो किसने अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स इंजेक्ट अपने कौ पॉक्स किया और इम्यूनिटी हासिल किसने की, स्मॉल पॉक्स, क्योंकि वो हमारा मेन डिजीज है। तो बहरहाल जो अब वैक्सीन इस वक्त अवेलेबल है ना, वो दो तरह की होती है, एक होती है प्रोफिलैक्टिक कि वो आपको डिजीज से बच्चा कहते ना एहतियात इलाज से बेहतर है, तो प्रेज इलाज से बेहतर है। तो इसलिए प्रोफिलैक्टिकली ये वैक्सीन होती है कि डिजीज से पहले प्रिवेंट द डिजीज, ये डिजीज को प्रिवेंट करती है, ठीक है। इसके अलावा थेराप्यूटिक भी होती है, ठीक है ना, वो क्या करती है, वैक्सीन अगेंस्ट कैंसर, इसकी एग्जाम्पल है, ओके, ठीक है ना। देखिए आप कोई भी वैक्सीन होगी तो किसी तरह कर सकती है, या तो उसके अंदर जो पैथोजेन होगा वो डेड होगा, क्या होगा, डेड होगा, या लिविंग होगा लेकिन इनएक्टिव इनएक्टिवेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है ना। डेड तो होगा वो तो डिजीज बिल्कुल नहीं कर सकेगा, तो लिविंग जो होंगे तो वो होते लिविंग है लेकिन इनएक्टिवेटेड होते, ओके। जब इनएक्टिवेटेड होंगे डिजीज पैदा करने की सलाहियत नहीं रहती, और या तो कोई उस पैथोजन से कोई प्रोडक्ट प्योरीफाइड प्रोडक्ट हासिल कर लिया जाता है, तो और उसके साथ वैक्सीन में
वो प्रोडक्ट भी यहां सब किससे होता है, उसी पैथोजन से, तो उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह की ये इंट्रोडक्शन है और उसकी हिस्ट्री है और उसकी टाइम, ठीक है ना। जैसे वैक्सीन जिस्म के अंदर जाएगी वो हमारे जिस्म के लिए एक फॉरेन पार्टिकल होगी, क्योंकि फॉरेन पार्टिकल केवल समझेंगे पैथोजन ही है, यानी कि फॉरेन पार्टिकल। तो जैसे जाएगी तो उसके जो हमारा इम्यून सिस्टम है, हमारा इम्यून सिस्टम उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, उसको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन अपनी मेमोरी में रखेगा, इसे रिमेम्बर रखेगा, इसको याद रखेगा, ओके। तो जैसे दोबारा वो विरुलेंट वर्जन उसके अंदर जिसे में दाखिल होगा तो वो फिर उसको दोबारा उसे रिकॉग्नाइज करेगा, उसको क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा और फिर उसको न्यूट्रलाइज द टारगेट एजेंट, और उसको न्यूट्रलाइज द टारगेट एजेंट, उस विरुलेंट को वो खत्म कर देगा इससे पहले कि वो सेल के अंदर दाखिल हो, इससे पहले कि वो सेल के अंदर दाखिल हो वो उसको क्या कर देगा, किल कर देगा, ठीक है। तो ये मिसाल हमने सबसे पहले पढ़ी स्मॉल पॉक्स में, ठीक है, वायरल डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज है और इससे लाखों बंदे मर जाते हैं, ठीक है, लेकिन अब उसका कोई इतना वजूद कम खत्म हो गए, अब इतनी कॉमन नहीं रही है बीमारी जितनी पहले थी, पूरी बस्तियों की बस्तियां उजर जाया करती थी, लेकिन अब ये वैक्सीन की बदौलत है कि कहीं कहीं भी नजर पोलियो के केस नहीं नजर आ गया, टाइफाइड कहीं नजर आ गया, पर नहीं पहले बहुत कॉमन थी, अब ये कॉमन क्यों नहीं है, ड्यू टू वैक्सीनेशन, ठीक है। अब देखिए ये मैं कुछ डिजीज का नाम बता रहा हूँ जो पहले बहुत कॉमन हुआ करती थी लेकिन अब ये इतनी कॉमन नहीं है, जैसे स्मॉल पॉक्स है और यह दुनिया में खत्म भी हो चुकी है लेकिन कुछ इलाकों में भी है, मीजल्स है, खसरा है, मम्स है, चिकन पॉक्स है, टाइफाइड है, ठीक है ना, नॉट कॉमन नाउ एज जस्ट हंड्रेड्स इयर्स अगो, सिर्फ 100 साल पहले इतनी आम हो करती थी, अब इतनी आम नहीं है। बस सीधी सी बात है कि डेवलपिंग इम्यूनिटी के वैक्सीन इम्यूनिटी कैसे बनाए, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो एम ऑफ वैक्सीनेशन देखिए ना, ये जब ये किसी माशरे में सोसाइटी में ये बीमारियां बहुत ज्यादा होती है तो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम होगा तो पब्लिक को डिस्ट्रॉय कर देगा, पब्लिक को, जैसे देखिए आपके सामने कोरोना ने रिसेंटली कितना डैमेज किया, जितना कि वो आज अभी तक उसके साथ बाकी है। तो अब एम ऑफ वैक्सीनेशन यही होता है कि जस्ट टू एलिमिनेट द डिजीज, जस्ट टू एलिमिनेट द डिजीज, कि उस बीमारी का खात्मा ही हो जाए या उसकी शिद्दत को कम कर दिया जाए, कैसे, बाय डेवलपिंग इम्यूनिटी, ठीक है। आप उसकी उन डिजीज के अगेंस्ट कोशिश करें कि आप उनके अंदर वैक्सीनेशन कर दें ताकि उनका इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाए और ये डिजीज जो है मजीद मिनिमाइज हो जाए। तो ये इसका एम ऑफ लाइफ ये है कि इलाज से पहले परहेज की बात है। फिर एक आइटम वैक्सीनेशन कोई भी बना सकता है, जैसे आपने देखा कोरोना वैक्सीन बनी तो WHO को कोई कहता था कि मेरे मुल्क की रिकमेंड कर दें, मेरे मुल्क की रिकमेंड कर दें, मेरे मुख्तलिफ कंपनीज को भी, लेकिन उदाहरण में एक अपना क्राइटेरिया है वो बताया कि हम आपकी वैक्सीन को क्यों आइडियलाइज करें, क्यों रिकमेंड करें कि लोग इसको आइडियलाइज कर दें, ऐसे है कि नहीं। तो उसके लिए फिर एक कोई भी वैक्सीन हो तो उसके अंदर ये आइडियल करैक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, हर साल में अच्छाइयां बुराइयां होती है, तो हमें इसी तरह हर वैक्सीन के भी बेनिफिट भी होंगे और कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। बहरहाल जो आइडियल की जो है ना
तो उनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। सबसे पहले वो जो है वो नॉन पैथोजेनिक होनी चाहिए। नॉन ये नाम कि आपने वैक्सीन लगाई है उसको वही बीमारी होगी। वजह क्या हुई कि उसके जो पैथोजेन थे वो इनएक्टिव नहीं थे, वो एक्टिव थे और उन्होंने डिजीज पैदा कर दी। तो पहला क्या हुआ, वैक्सीन शुड बी नॉन पैथोजेनिक कि उसको डिजीज काज नहीं करनी चाहिए। फिर वो इम्यूनोजेनिसिटी हो, उसके अंदर ये सलाहियत हो कि वो एंटीबायोटिक को पहले प्रोड्यूस कर सके। जब एंटीबायोटिक प्रोड्यूस हो गए तो आपके पेशेंट में जो है इम्यूनिटी पैदा होगी। ठीक है, नंबर टू थ्री उसकी एफिकेसी जो और इफेक्टिव हो, कुछ नहीं कि वो ओरली इफेक्टिव हो। कैसे इफेक्टिव हो, क्योंकि ओरली लेना आसान है तो ओरली इफेक्टिव हो। और कहते हैं कि लॉन्ग लिव्ड इम्यूनिटी, और ये ना हो कि एक दिन की इम्यूनिटी हो, दो दिन की हो, वो पूरी उम्र के लिए हो, छह महीने के लंबे अरसे के लिए हो। जितनी लंबे अरसे के लिए होगी वो उतनी ज्यादा आइडियल होगी। तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, लॉन्ग लिव्ड इम्यूनिटी होनी चाहिए। ओके, जब तक जिंदा रहे उसके अंदर इम्यूनिटी कायम रहे। अच्छा, फिर उसकी कास्ट ये ना हो कि बहुत महंगी हो कि आप अपने खरीद ही ना सके, तो उसकी कास्ट जो चाहिए वो लो होनी चाहिए। फिर वाइड रेंज ऑफ एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, उसकी वाइड रेंज होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, और कंपेटिबल, अगर आप एक वैक्सीन लगा रहे हैं साथ दूसरी वैक्सीन लगा रहे हैं तो वो एक दूसरे के असर को जाहिर ना करें। ठीक है ना, तो इसलिए किसी कहते हैं इसके लफ्ज पाल होता है कंपेटिबल, कंपेटिबल वेर विद को एडमिनिस्ट्रेट वैक्सीन। को एडमिनिस्ट्रेट वैक्सीन जो उसी वक्त दूसरी वैक्सीन लगाई जाती है वो होनी चाहिए। और तीस आखिर वो कहता है कि जो भी वैक्सीन हो उसे स्टेबल हो, हाई टेम्परेचर पर भी वो क्या हो, स्टेबल हो, और जेनेटिकली भी स्टेबल हो। ओके, मतलब एक वैक्सीन थी उसको कहते हैं -17 पे स्टोर को, अभी यहाँ तो रोक कर देते 25 में, सबसे -17 पे कैसे स्टेबल कर सकते हैं, तो हमारी मुसीबत पड़ जाएगी। अगर उसका टेम्परेचर ज्यादा हो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो इसलिए उसे थर्मली स्टेबल होना चाहिए। फिर उस नसल में भी उसे काम करना चाहिए, जेनेटिकली भी स्टेबल होना चाहिए। ओके, समझ आ गया। देखिए फिर बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई दफा आया हुआ है कि वैक्सीन की आइडियल क्या है, कि वैक्सीन जो है वो नॉन पैथोजेनिक होनी चाहिए, उनमें एंटीबॉडी पैदा करने की सलाहियत होनी चाहिए, उनकी एफिकेसी 90% से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, लो ओरली लेनी चाहिए, लो लिमिट उसका, लो इम्पैक्ट होना चाहिए, लो कास्ट होना चाहिए, और जब भी किसी दूसरी वैक्सीन के साथ दिया जाए तो कंपैटिबल होना चाहिए, और तीसरा ये उसे जेनेटिकली और थर्मल के लिए क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। ये वैक्सीन की हमने